नमस्कार। टिकट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, कई प्रकार की टिकट होती है, बस टिकट, रेल टिकट, हवाई टिकट, डाक टिकट। क्या आपने सुना है कि रेवेन्यू टिकट भी होती है? हाँ, आपने ठीक सुना है, रेवेन्यू या राजस्व टिकट भी होती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या होती है रेवेन्यू टिकट और इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो रेवेन्यू टिकट डाक टिकट की तरह ही दिखने वाली चौकोर से कागज पर छपी हुई एक टिकट होती है, जिस पर उसका मूल्य अंकित होता है। यह टिकट 1 रुपये मूल्य की छपी होती है और 1 रुपये मूल्य पर ही इसे स्टाम्प वेंडर के पास से या राज्यों की जो ट्रेजरी होती है उनसे खरीदा जा सकता है। अब ये रेवेन्यू टिकट होती क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो रेवेन्यू टिकट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स ही होता है, जो सरकार के खाते में वह राजस्व के रूप में जाता है। इसका प्रयोग किसी को कोई पेमेंट दी जाती है तो उससे उसकी प्राप्ति की रसीद लेने के लिए उस प्राप्ति पत्र पर इसे चिपकाया जाता है और इस पर जो राशि होती है उसे प्राप्त करने वाले के उस पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो इस तरह से एक राजस्व टिकट का प्रयोग किया जाता है। राजस्व टिकट आप लोगों ने जरूर देखी होगी। यदि आपने राजस्व टिकट नहीं देखी है तो जब भी आप इस बार कभी भी कोर्ट या कचहरी जाएं और कोई स्टाम्प पेपर खरीदें तो स्टाम्प वेंडर से आप रेवेन्यू टिकट के बारे में पूछें और उससे रेवेन्यू टिकट खरीद दें। वैसे रेवेन्यू टिकट कैसी दिखती है उसका पिक्चर इस वीडियो की थंबनेल में भी आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस आकार की और किस कलर की एक रेवेन्यू टिकट होती है। वैसे मैं बता दूं कि रेवेन्यू टिकट लाल से रंग में छपी होती है और इस पर राजस्व टिकट और भारत लिखा होता है।